चल सिगम उनका खुद का बाइक का 70 बाइकों का कलेक्शन है, अलग अलग हार्ले। और गूगल ने फिर हमें पता नहीं कौन सा रास्ता बता दिया। ओ अब लग रहा है ना राजस्थान में हूँ मैं। तो अभी अजमेर में आ गए हैं। तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव द फाइंडर। और अब हम निकलने वाले जयपुर की तरफ। जयपुर से मैं 150 किलोमीटर पहले रुक गया था। क्या रीज़न था ये आप मेरे पीछे वाले ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने देखा उन्हें पता ही है। तो अभी यहाँ से हम लोग को जयपुर जाना है, फिर अजमेर, वहाँ से फिर डिसाइड करेंगे हमें करना क्या है आगे, कहाँ की तरफ जाना है। बहुत हेडेक है, चलो। तो निकलने का वक्त आ गया है, चल सिगम। हाँ काफ़ी अच्छा स्टे रहा, बेड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रिलैक्सेशन था बेड में। हाँ पीठ का पूरा दर्द चला गया, मज़ा आ गया। ये इनका स्विमिंग पूल एरिया और बैंक्वेट एरिया है, अच्छा ही है। स्विमिंग पूल ठीक ठाक है, स्पेस 3 स्टार प्रॉपर्टी है मेरे ख्याल से। ये रात को बता रहे थे कि इनका फर्स्ट फ्लोर का रूम बहुत सुंदर है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर होता है कभी तो आए तो रुकेंगे इधर ही। रात को 4 बजे? हाँ सुबह 4 बजे। हाँ हाँ कोलकाता से। हाँ यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम है राजस्थान में। हाँ ट्रिप करता रहता हूँ। ये रिएक्शन फिर से देंगे भैया किससे? रिकॉर्ड हो रही है। मैं एक्चुअली सब लोग ये अचानक से एक्सप्रेशन देते स्कूटी से तो ये ऐड करना चाहता हूँ, मतलब अच्छा लगता है सुन के। हाँ तो भैया मिलते हैं आपसे। चलो जय माता दी। होटल बहुत प्यारा था। हाँ तो बोलो अगर आप इस साइड में कहीं रुकना चाहते हैं जयपुर से पहले, मतलब जयपुर गुड़गांव के हाईवे पे, तो बेस्ट प्रॉपर्टी मैं बोलूँ तो ये रहेगी आपकी। चलो जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। भैया से बात करके अच्छा लगा, अब चलते सीधा जयपुर। तो एक बुलेट वाले भाई मिले हैं, बुलेट वाले भाई मिले हैं, बोल रहे रुकने के लिए, देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ जयपुर, जयपुर देन अजमेर देन मुंबई। ओके दैट्स अ लॉन्ग रूट। एक्चुअली आई एम राइडिंग K2K कश्मीर टू कन्याकुमारी वाया मुंबई। सो यू स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता? कोलकाता हां। ओके दैट्स ग्रेट मैन। सो लाइक हाउ लॉन्ग? 3,500 अभी हुआ है। 3,500 हो गए हैं। YouTube चैनल या बट उतने ज्यादा सब्सक्राइबर अभी है नहीं, छोटा मोटा चैनल है अभी अभी खोला है। ग्रेट मैन, यू आर डूइंग रियली ग्रेट, लाइक यू आर गोइंग ऑन स्कूटी, दैट्स रियली गुड स्टफ। ओके आप कहां से हैं? आई एम फ्रॉम जयपुर। जयपुर? अच्छा दिल्ली से जयपुर आ रहे थे घर। तो दिक्कत हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, मेरा यही काम है, बिजनेस यही है मेरा, तो आई हैव लिंक्स। ओके कहीं कुछ होता है तो मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूँ। नो प्रॉब्लम। ओके अभी तो जयपुर तक साथ ही चलते हैं, कि आपको थोड़ा जल्दी नहीं है तो साथ चलते हैं जयपुर तक। आराम से चलता हूँ मैं तो। हर्षित भाई बस एक बार फिल करवाना पड़ेगा मुझे। 36 35 हाँ। तो हर्षित भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ बातें आते की उनका खुद का बाइक का 70 बाइकों का कलेक्शन है, अलग अलग हार्ले, और वो एक्चुअली बिजनेस है रेंट पे बाइक देना। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे जब जयपुर तो उनसे ज़रूर मिलेंगे, उनका कलेक्शन देखेंगे। आज मैं जयपुर अवॉइड करने की सोच रहा हूँ क्योंकि मुंबई पहुँचना है। जयपुर अवॉइड क्या मतलब, बाईपास पे तो रहूँगा, जयपुर में ही रहूँगा, बस जयपुर घूमूंगा नहीं। 107
माता रानी। चलो अर्षित भाई, मिलते हैं आपसे। थैंक यू हेल्प करने के लिए। मिलते हैं फिर। तो गूगल ने फिर हमें पता नहीं कौन सा रास्ता बता दिया। पहले कट आता है वहाँ से, मैंने एक्चुअली गलती से हर्षित भाई के साथ साथ बाईपास ले लिया था, मैप सेट करके नहीं रखा था। उसके बाद मैंने हर्षित भाई को बताया कि मैं सोच ही रहा हूँ कि सिटी में घूम लूँ, सिटी में बोल रहा हूँ हवा महल, जल महल, ये सब देखते हुए चले जाऊँ। तो उन्होंने बोला फिर तो तुम पहले बोलना चाहिए था तुमको अब अंदर से आना होगा। तो अब गूगल रास्ता बता रहा है, या गूगल की भी गलती नहीं है, हमारी गलती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ने वैसे भी हाईवे से ये सब देखने नहीं मिलता जो अभी देखने मिल रहा। रोड तो पक्की है, बस छोटी बहुत है, काफ़ी छोटी है। ओ अब लग रहा है ना राजस्थान में हूँ मैं। बाप रे, जो भी हुआ सही हुआ, देखो कैसे रोड पे पहुंच गया। ये रोड देखो, रोड छोटा है लेकिन मस्त है। ओ कैसा लग रहा है, रोलर कोस्टर की राइड कर रहा हूँ, ऊपर नीचे डाएं बाएं पूरी रोलर कोस्टर राइड है। दिल फिर नीचे होगा, गारंटीड नीचे होगा। वैसे गूगल कभी कभी अच्छे काम भी करता है ऐसे ऐसे रोड पे लागे। रात को तो इस रोड पे मैं मरे ना लूँ, आज दिन में ठीक है। सोच रहे रात को ये रोड कितना हॉरर हो सकता है, बाप रे हालत खराब हो जाएगी। ओहो ये कौन सी गाड़ी है भाई, पता नहीं कंपस थी क्या, जीप कंपस? नहीं नहीं वो तो ऐसी नहीं है। किसी को पता हो ये गाड़ी कौन सी है तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, बहुत अच्छी लगी यार। वो रहा अंबर फोर्ट, अंबर फोर्ट क्या है इसके बारे में यहाँ के लोकल से थोड़ा पूछ लेंगे। पता नहीं मेरे राइट पैर में क्यों दर्द हो रहा है अचानक से, वो भी हड्डी में यार। अभी मैं घूमने वाला हूँ अंबर फोर्ट, मतलब बाहर से यहाँ से देखते हुए निकल जाएंगे आगे। और अंबर फोर्ट के बगल में ही है जल महल, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर उसके बाद हवा महल, और फिर एक और है, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं। ये मिला लुक, इन सारे महलों की इन्फो मैं बाद में दूंगा। ओहो मैंने कहाँ गाड़ी डाल दी, चल आ जा, आ गई। बाप रे यहाँ तो धूप चुभ रही है, ठंड में ऐसा हाल है तो गर्मी में तो बेहाल हो गई। हाँ तो ये आमेर का पैलेस, अम्बेर पैलेस बोलते हैं इसको। फोटो हो जाए, लवली लवली लवली, हो गया फोटो लेना। चलो जल महल की तरफ, मस्त लग रहा भाई। वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, बाप रे उनके लोग ऐसे बनाते कैसे थे, तो सोच रहे इंजीनियरिंग आज से बेहतर है, इंजीनियरिंग जैसी है उससे लाखों गुना बेहतर थी पहले। ऐसे तो ब्रिज ही गिर जाते हैं, ये क्या रोड है भाई साहब। अब लग रहा डिसीजन अच्छा था जयपुर के अंदर घुसे हैं भाई साहब, मस्त लग रहा है, लग रहा है किसी महल का दीवार है, उसके बीच में गेट है, यहाँ सब फौजी हैं ऊपर में बैठा कर देते हैं, तीर वीर लेके या भाला वाला लेके रेडी, आओ कौन आ रहा है। ये रहा जयपुर का जल महल, महल नहीं है यहाँ तो खाली जल है। तो अच्छा वो है जल महल वहाँ, यहाँ से लोग फोटो वोटो खींचते हैं। चलो अभी एक दो फोटो खींच लेते हैं
चलते फिर आगे की तरफ। क्यों, यहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो रहा जल महल। यहाँ से तो और अच्छा था, यहीं से फोटो खींचना था। चलो अच्छा है, इतनी दूर इतनी भीड़ है इधर। तो अब जाना है हवा महल। यहाँ क्या सब कुछ ऐसे ही बनाया होगा, गेट बने हुए हर जगह। पिंक सिटी में घुस गया क्या? नहीं, यहाँ तो सारा कलर ऑरेंज है घरों के। यार हेलमेट भी लग रहा है मुझे, नहीं ऑरेंज ही है यार हेलमेट में, पिंक थोड़ी ना लगे। ये हवा महल आने वाला है, यहाँ खाएंगे घी अगर कोई दुकान में रुक के। पूरा हवा महल, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। लोग बोलते कुछ नहीं है, मुझे तो ये सुंदर लगा, एक वो अंबर फोर्ट और ये की, दोनों ही सुंदर लगे। जल महल भी सुंदर था यार, जल महल भी सुंदर था। शायद जल महल के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। निकलना है बाहर जयपुर से और पहुंचना है अजमेर। जयपुर सुंदर लगा मुझे काफ़ी। एक मन और था रामगढ़ पैलेस देखने का, लेकिन वो अंदर से देखने का मन था, अंदर जा नहीं पाता। वो वन ऑफ द इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव होटलों में से एक है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो अजमेर रोड पहुंच गए अब हम और निकल रहे अब अजमेर के लिए। गूगल बता रहा है कि यहाँ से 2.5 घंटा लगेगा। चलो ठीक है, 2.5 घंटा ही लगेगा। कर दिए। कितना है यहाँ? या अल्लाह, ये तो मार देगा। बस 400 छोड़ दिए। ओ एकदम एग्जैक्ट आया है। ओहो कलर कितने सुंदर लग रहा है, ब्लू ऑरेंज हल्का पिंक येलो ऑरेंज का मिक्सअप है और लास्ट में फिर ब्लू। चलो यहाँ एक चाय पीते हैं। यहाँ से 70 किलोमीटर है अजमेर। अजमेर पहुंच के वहाँ 1 घंटे का पूरा मतलब दर्शन करना, खाना खाना, ब्रेक है उसके बाद आगे। ओके चलो यहाँ रुका हूँ अभी मैं। तो अभी अजमेर में आ गए हैं, दिल्ली गेट इधर में होती है शायद पार्किंग। भैया ये पेड़ पार्किंग किधर है? पार्किंग 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 में डर लग रहा है यार। चल ठीक है, कपड़े ही ले जाएगा तो क्या ही ले लेगा मेरा। ये स्कूटी पार्क करवानी थी, अभी 15 से 20 मिनट में आ रहा हूँ दरगाह से दर्शन करके। बस भैया दरगाह यहाँ से कितना है भैया? 12 मिनट लगता है। हाँ तो बस जो अप एंड डाउन का टाइम है बस वही। गाड़ी में सामान मत छोड़ना क्योंकि मैं रहूंगा नहीं, नौकर रहेगा, मैं नौकर के भरोसे विश्वास नहीं करूंगा। ये रखना था खाली, बस इसको लेके मुझे निकलना है एक्चुअली मुंबई, यहाँ रहना नहीं है। तो आप अभी निकल रहे हो? बस मैं अभी ज्यादा से 8 मिनट पहले निकल जाऊंगा मैं। अब 20 मिनट बच्चे को मतलब ही नहीं है। मेरे पास लाख रुपए का माल होगा, मैं अपनी सेफ्टी में हूँ क्योंकि मैं खुद आना होगा। बरसात आज चेंज होते हैं कल चेंज हो जाते हैं, परेशानी वही होती है। ये निकलेगा तो है नहीं अंकल, ऐसे चेन लॉक है क्या? ये अंदर में बंद है, ये कटेगा। हाँ हाँ कट, हाँ लगेज लगेज चेन है क्या इसकी? नहीं अंदर लॉक है पूरा। ये भी अच्छा लॉक है, लगा दो। तो अभी प्लेन में आया, थोड़ा सा चेंज। मैंने डिसाइड किया कि मैं आज अजमेर में ही रुकूंगा। सोच तो रहा था आगे जाऊं, लेकिन नहीं सर की हालत थोड़ी सही नहीं लग रही है मेरे को। रिक्स लेके फ़ायदा नहीं है गुरु, यहाँ से निकलेंगे कल सुबह सुबह। और कल सुबह मतलब कल सुबह एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई है, 800 मीटर दूर है यहाँ से और मेरे ख्याल से दरगाह से 1 किलोमीटर होगा। अंकल रूम अवेलेबल है?
क्या पड़ेगा? नहीं, रूम मैंने देख लिया अंकल आपका ऑनलाइन में, इसमें आ रही है ये, मुझे इसमें 10% डिस्काउंट भी मिलेगा एक्स्ट्रा, इसी रेट में दे दूँ आपको ये वाला रूम। इसमें दे दीजिए। नहीं, इसमें जो बता रहे हो ना, ये आपको कितने का बैठेगा टोटल GST लेके? ये बोल रहे हैं ना आप GST लेके? हेलमेट में कैमरा लगा हुआ है क्या? हाँ, लगाना पड़ता है अंकल। हाँ भैया, आपका नाम? मोहम्मद अली। ठीक है, यहाँ से कितना दूर है दरगाह? दरगाह यहाँ से आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर मतलब वही 5-10 मिनट पैदल? दस 10 मिनट तो नहीं, 15-20 मिनट मान लो, आधा घंटा है तो, ओ आधा किलोमीटर है तो। हाँ, आधा किलोमीटर है, फिर भी टहलते टहलते जाओगे, हाँ सही बात एकदम बोल रहे स्ट्रेट हो। तो जाओगे नहीं हो, नहीं मैं तो अभी नहा धो के स्ट्रेट ही निकलूंगा, मुझे 9 बजे तक सोना है। फिर आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। वीडियो हो रही है, बता रहा रूम रूम अच्छा होना चाहिए। अरे रूम तो ऐसा होगा सर, आप देख के बोलोगे मत। चलो ठीक है। हाँ ओ है खतरनाक बिल्कुल। नहीं, अच्छा है वॉशरूम, देखते हैं वॉशरूम भी बढ़िया है। है खतरनाक, हाँ है मस्त। अच्छा है, इससे पहले आज से पहले जिस होटल में रुका मैं, ऐसे ही मिल जाते हैं मुझे ऑनलाइन में, सस्ते मिल जाते हैं तो ऑनलाइन से ही बुक कर लेता हूँ। हाँ अंकल क्या बोले थे? आपको सर इसकी भी फिर कंप्लीमेंट्री गिफ्ट देनी चाहिए, इतने बड़े एडवेंचर पे निकले आप कलकत्ता से और कहाँ तक आप जा रहे 9,500 का, 9,500 किलोमीटर का ट्रिप है टोटल, और कल यहाँ से मुंबई करूँगा मैं ये तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शायद आपका नाम दर्ज होना चाहिए। नहीं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अगले साल करने वाला हूँ इसी स्कूटी से। हमारी शुभकामनाएं 2022 की शुरुआत में हो जाए आपका नाम। अब चलते हैं अजमेर की दरगाह, तो अंदर की वीडियो अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से आपको लुक दिखा दूंगा अभी। ओके तो लास्ट ब्लॉग मैंने एंड नहीं किया था, अभी एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।